वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने महीने भर से भी ज्यादा का राशन। जी हाँ, मेरा जो राशन लाती हूँ मैं मंथली ग्रोसरी, वो महीने भर से ज्यादा चलती है। अभी भी बहुत सारी ग्रोसरी जो है वो रखी है, बट फिर मैं ज्यादा लेट करती तो हमें संडे को ही टाइम होता है तो फिर 8 तारीख तक का वेट करना पड़ता है या फिर 15 का वेट करना पड़ता। तो मैंने सोचा चलो महीने की 1 तारीख को ही ले आते हैं, राशन तो काम ही आता है। तो जो चीजें रखी थी वो नहीं आई हैं, जो चीजें खत्म हो गई थी वो ले आए हैं और कुछ पैसा बच गया तो घर के जरूरी सामान भी लेके आए हैं जो किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए आप लोगों के साथ ग्रोसरी जो है वो शेयर करती हूँ। सो गाइज, सबसे पहले बता दूं कि 10 kg जो है वो आटा आया है जो कि इनकी गाड़ी की डिक्की में रखा है और इनको ऑफिस जाने में लेट हो जाती तो मैंने बोला कि नहीं मैं ऐसे ही बोल दूंगी और रहने दो। तो आटे के बाद शेयर करते हैं दूसरी चीज जो कि इस बार मैंने ज्यादा क्वांटिटी में मंगवाई है, जो कि है तूर दाल, जिसे कि अरहर दाल जो है वो भी कहते हैं। अब तूर दाल या अरहर दाल कह लो, वो बहुत काम आने वाली चीज है। कैसे? क्योंकि इडली सांभर, बड़ा सांभर, भूसा सांभर, चाहे चावल के साथ ऐसे ही खट्टी मीठी तूर दाल खाओ तो बड़ी ही अच्छी लगती है। तो बाकी जो दालें होती हैं उससे ज्यादा घरों में तूर दाल जो है वो यूज आती है और इस बार मैंने तूर दाल जो है वो मंगवाई है श्री तिरुमला दाल इंडस्ट्रीज से, जो कि अपनी बेहतरीन क्वालिटी की तूर दाल के लिए पूरे इंडिया में मशहूर है। सो गाइस, श्री तिरुमला दाल इंडस्ट्रीज जो है ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है जो पीढ़ियों से अपने ग्राहकों को बेस्ट क्वालिटी की तूर दाल जो है प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं। और इनकी खासियत पता है क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और पारंपरिक तरीकों से दाल को तैयार करते हैं। तो चलिए नजदीक से आपको दाल दिखाती हूँ, दाल की क्वालिटी जो है वो भी दिखाती हूँ। श्री तिरुमला दाल इंडस्ट्रीज जो है ये तूर दाल के पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं। इनकी पहचान है क्वालिटी मील और इस क्वालिटी को ये 50 सालों से मेंटेन कर रहे हैं। पूरे भारत में अपनी ऑर्गेनिक तूर दाल के लिए मशहूर है। ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी करते हैं। श्री तिरुमला तूर दाल सिर्फ आपकी किचन के लिए ही नहीं बल्कि एक छोटे बिजनेस के बड़े सपने को सपोर्ट करने का भी तरीका है। वो कैसे, अभी बताती हूँ। श्री तिरुमला दाल इंडस्ट्रीज की तूर दाल आपके बिजनेस को भी एक नया रंग दे सकती है। अगर आप एक होलसेलर हैं तो ये आपके बिजनेस को बढ़ाने का मौका भी देते हैं। ये बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं और तिरुमला दाल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़कर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब इनके तूर दाल की क्वालिटी भी दिखा देते हैं। श्री तिरुमला दाल इंडस्ट्रीज की जो तूर दाल है स्वाद में लाजवाब और पोषण से भरपूर है। ये तूर दाल हर डिश के लिए परफेक्ट है, चाहे वो एक क्लासिक दाल हो या कोई नई रेसिपी। तो श्री तिरुमला तूर दाल के साथ अपने खाने को बनाएं और भी खास और हर बार बेहतरीन स्वाद का अनुभव करें। सो गाइस, अगर आपको भी बेस्ट क्वालिटी की तूर दाल चाहिए तो आप श्री तिरुमला दाल इंडस्ट्रीज से जो है तूर दाल मंगवा सकते हैं, चाहे तो वो अपने घर के लिए, चाहे तो आप अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए। तो आपको इनकी वेबसाइट लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप बाय कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रोसरी की तरफ। सो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है 4 किलो चीनी है, क्योंकि चीनी खत्म हो गई थी, सूजी खत्म हो रही थी तो 1 किलो सूजी बिल्कुल थोड़ी बची थी। बेसन रखा है, बट गणेश चतुर्थी आ रही है तो देखो लड्डू वड्डू बनेंगे तो आधा किलो और मंगवा लिया। 1 किलो बेसन रखा है, मे भी आधा या पौना किलो, तो आधा किलो बेसन मंगवाया। मैदा 1.5 किलो रखा होगा तो वो नहीं मंगवाया। छोले रखे थे, काले चने रखे थे, हरे मूंग रखे हैं, पीले मटर रखे हैं, लोबिया रखा है, बहुत सारी चीजें रखी है क्योंकि महीने भर से ज्यादा चलती मेरी ग्रोसरी, ठीक है। तो सिर्फ राजमा खत्म हुए थे तो आधा किलो छोटे राजमा मंगवाए हैं, ठीक है। दालों में मूंग दाल मैंने मंगवाई है 1/2 किलो जो कि खत्म हो रही थी। तूर दाल हमारी आ ही चुकी है श्री तिरुमला दाल इंडस्ट्री से जो कि मैंने मंगवाई है। और ये है दाल मखनी के लिए पाव भर दाल, क्योंकि पाव भर रखी थी तो साबुत उड़द पाव भर मंगवाई है और साबुत धुली हुई उड़द दाल मंगवाई है जो कि पाव भर रखी थी तो पाव भर ही मंगवाई है। और फिर जो है ये वाली भी पाव भर मंगवाई है, मूंग की छिलका दाल हरी वाली, ये भी थोड़ी बहुत रखी थी और बहुत कम यूज आती है हमारे घर में इसलिए कम मंगवाई है, 250 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद जो है
गणेश चतुर्थी आने वाली है तो घी मंगवाए, दो तरीके के मैंने लिए इस बार अलग अलग डिब्बे, 1.5 किलो लगते हैं लेकिन गणेश चतुर्थी में लड्डू शुद्ध घी के बनेंगे तो इस वजह से घर में भी निकलता है बट फिर भी मैं लेके आ गई हूँ, एक गोकुल का और एक ये, तो 2 किलो शुद्ध घी है और 1 किलो बासमती राइस है। किणी जो है मैं और इन हाथों को किणी जो है वो लेके आनी अभी आई नहीं है क्योंकि वहां पे जो किणी थी उसमें इल्लियां हो रखी थी तो वो मैंने नहीं ली, तो अगले लाइन से देखेंगे। पोहा बिल्कुल खत्म हो गया था तो 1 किलो पोहा लिया है ना। और मसालों में सिर्फ देखो नमक रखा था और रॉक सॉल्ट मतलब कि मैं सेंधा नमक यूज लेती हूँ वो रखा था, चाय पत्ती रखी थी और 1 पैकेट ऑयल भी रखा था और 1/2 किलो मूंगफली का ऑयल भी रखा था तो वो भी ज्यादा नहीं आए। तो लाल मिर्ची भी बहुत सारी रखी है बट महीने के एंड में खत्म होगी इसलिए ये लिए मैंने लाल मिर्ची 200 ग्राम है मेरी, और ये धनिया पाउडर भी रखा था बट फिर भी मैंने 200 ग्राम लिया है क्योंकि पूरे मंथ नहीं चलेंगे, महीने के कुछ 10 दिन तक मुझे और लाने पड़ेंगे इस वजह से 20 दिन तक ये चल सकते, इसलिए मैंने 200 ग्राम ये लिए हैं। और सर्फ लिया है 1 kg ठीक है पतंजलि का, और एक मैंने लिया है लिक्विड सर्फ जो कि है पता नहीं किसका है, तो एक ही कर ये लिया है। सॉस रखा था 1/2 किलो तो 1/2 किलो बस सॉस लिया है। विम जेल है, विम की साबुन है बर्तन धोने वाली ठीक है, और पीनट ऑयल लिया है 1 लीटर क्योंकि 1/2 लीटर और रखा है। 2 ये सोयाबीन ऑयल लिया है 1 लीटर और रखा है घर पे, इसे 2 ही लीटर लिया है ठीक है। और ये यूपी पॉपरेमन करी एंड मैगी है तो 1 पैकेट ये है। पास्ता इस महीने खत्म हो गया था तो 1 किलो पास्ता लिया है, सूजी का 100% सूजी वाला लेती हूँ, मैदा वाला नहीं लेती हूँ, किसी ने कंपनी पूछी थी गोल्डन शाइन का है ठीक है, नेशनल सुपर मार्केट से 1 किलो, इस बार स्पाइरल वाला लिया है ठीक है। और मैंने चना लिया है, इससे सत्तू बन जाता है इसलिए भुने चने, छिले हुए चने लिए हैं। और एक गोलगप्पे का पैकेट लिया है जो कि घर में कभी कभी बनते रहते हैं, इसलिए चाइनीज सॉस जो है खत्म हो गए थे, रेड चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस, तो रेड चिली एंड ग्रीन चिली सॉस आई है। पाव भाजी मसाला खत्म हो रहा था तो वो लिया है अभी क्योंकि गणेश चतुर्थी और है तो अभी बनाने का मुझे टाइम नहीं लगेगा, तो पाव वैसे मैं घर पे भी बना लेती हूँ मैं, लेकिन बनाऊंगी यार इस बार। पाव भाजी मसाला और गरम मसाला खत्म हो गया था तो ये छोटे वाले डब्बे लिए, बड़े वाले इसलिए नहीं लिए कि घर पे भी बनाऊंगी इसलिए ठीक है। और हार्पिक लिया है ये छोटू वाला, और बॉर्नविटा 2 लिए थे, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट के 5 पैकेट लिए हैं, 5-5 रुपए के आते हैं, मैं भी ये बहुत काम आते हैं ये अपने पास्ता में या कुछ भी चीज़ बनाती है तो ये डाल देती है, तो फिर प्याज व्याज कट करने का भी कभी अगर आप सब्जी वब्जी बना रहे हो तो ये वाला सही है यार एवरेज का। और मैगी मसाला लिया है जो कि पास्ता चाउमीन और सब में डाल देती है। सूप है एक ऐसे ही ले आई मैं, और एक मंचूरियन की ग्रेवी 10-10 रुपए की है ये। और साबुन है, साबुन रखी थी तो बस एक ऐसे ही, मुझे ये पसंद आ गई लक्स वाली ब्लू वाली, और ये छोटी छोटी बस क्योंकि रखी है साबुन। टूथपेस्ट जो हम लेते हैं वो नहीं मिला तो अभी ये लेके आएंगे ठीक है। और ये बूंदी आई थी, ये ली है रायते वाली। बिस्किट आए थे 2-3 जो कि इन्होंने खा लिए, और ये पार्ले जी की बिस्कुट का बड़ा पैकेट, बिस्किट का बड़ा पैकेट आया था तो ये हो गया। और काजू आए हैं 100 ग्राम काजू ककड़ी, 100 ग्राम किशमिश, क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं, बादाम भी पूरे रखे हैं, काजू थोड़े खत्म हो रहे थे तो इन्होंने 100 ग्राम लिख दिया, मैं 200 ग्राम मंगवाने वाली और मंगवा ली, तो ये बादाम है 100 ग्राम क्योंकि बादाम रखे हैं, किशमिश भी रखी है तो 100 ग्राम ठीक है। और ये आलू के क्या कहते हैं व्रत वगैरह में तलने के लिए ये लिया है, बाकी व्रत के आटे वगैरह सब रखे हैं, साबूदाना पापड़ रखे हैं, सब कुछ रखा है ठीक है। केसर मेरा खत्म हो रखा था तो इस बार मैं एवरेस्ट करके आई, कभी मैं बेबी सैफ्रन लिया तो 3 किस्म के थे तो इन्होंने कहा एवरेस्ट ले लो तो एवरेस्ट ले लिया, 250 का होगा। ये जो है पेपर नैपकिन लेके आई हूँ है ना, और क्या है ये 9 के सैनिटरी पैड्स है ये आया है, और अभी जो है किणी आएगी मैंने बोला, और आएगा चीज और बटर क्योंकि वो रिलायंस में ही मिलता है, रिलायंस फ्रेश में ही चीज और बटर जो है वो आएगा, बाकी इस महीने की ग्रोसरी जो है वो इतनी है क्योंकि बहुत सारी ग्रोसरी रखी थी तो फिर सिर्फ इतनी ही ग्रोसरी आई है, 10 किलो आटा मैंने बता ही दिया और ये सब कुछ जो है इस बार की ग्रोसरी। तो फ्रेंड्स 2-3 चीजें दिखाना मैं भूल गई थी, ये है धूप सॉलिड वाली ठीक है, सेंधा नमक ऐसा वाला, और इन लोगों को पसंद आ गया था शैम्पू 115 का ही था स्पेशल प्राइस तो उसने कहा कि मम्मी इस बार ये लेते हैं बच्चों की पसंद तो माननी पड़ती है ना। सो गाइस ये था मेरा महीने भर का राशन, तो इसमें
मैं और भी चीजें भी लेके आई थी, जैसे कि बेडशीट वगैरह, जो कि बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।